राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिराग शेट्टी सात्विक साईराज को खेल रत्न दिया है। वहीं क्रिकेट मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। छह कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। किसको क्या मिला है एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। छह ऐसे कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कबड्डी में चिराग शेट्टी को भी अवार्ड मिला है, उनकी भी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न पुरस्कार इस वक्त दिए जा रहे हैं और आप एक एक करके नाम भी इस वक्त सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिराग शेट्टी सात्विक साईराज को खेल रत्न दिया है। वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी जिनका पिछले दिन परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है जो कि खेल जगत के लिए सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। बाईं ओर एक बड़ा सा छेद हो गया और रात की वजह से उस छेद के बाहर काला आसमान नजर आया। ये छेद अचानक विमान के आपातकालीन दरवाजे के उखड़कर हवा में उड़ जाने की वजह से हुआ। इस घटना ने विमान में मौजूद लोगों को डर और दहशत से भर दिया, क्योंकि बड़े से छेद के साथ आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस विमान में मौजूद लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। खतरे को देखते हुए विमान में मौजूद यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कह दिया गया, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वो विमान करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग न के बराबर होती है। ऐसे में बिना ऑक्सीजन मास्क के विमान में मौजूद लोगों की मौत दम घुटने से भी हो सकती थी और इसीलिए जब तक वो विमान हवा में रहा उसमें मौजूद यात्रियों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि इमरजेंसी दरवाजे के टूटने के बाद उन्हें जिंदा बचने की बेहद कम उम्मीदें दिखाई दे रही थी। लेकिन इमरजेंसी दरवाजे के हवा में उड़ जाने की जानकारी मिलते ही विमान के पायलट अलर्ट हो गए और फौरन उन्होंने विमान को पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर उतारने की इजाजत मांगी। आदेश मिलते ही उन्होंने विमान को एक बार फिर उसी दिशा में मोड़ दिया जहां से उसने उड़ान भरी थी। बाद में पायलटों की सूझबूझ से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई। अमेरिका के पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरने वाले उस विमान में 6 क्रू मेंबर और 174 यात्री सवार थे। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। लेकिन इस हादसे ने उस विमान में यात्रा करने वाले लोगों को खौफ से भर दिया, इसीलिए अमेरिका ने एहतियातन 170 से ज्यादा विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी।